विश्व हिंदू परिषद के हिंदू विजय उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कौम अपने इतिहास की रक्षा नहीं कर सकती वो कौम भूगोल को नहीं संजो सकती। अभी तक राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को विद्रोह बताया गया है। सीएम ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही पाठ्यक्रम में सुहेल देव समेत महापुरुषों की वीर गाथा को शामिल करेगी। लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी अशोक सिंघल को भी याद किया गया। राष्ट्रीय संसद संघ के माननीय शिव नारायण अपने सबसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, विधायक और मंत्री इस कार्यक्रम में गया हूँ। विजय उत्सव के कार्यक्रम में मुझे उसमें सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब मैं वहां पर गया मैं सचमुच इस बात को जानता हूं कि कैसे भारत के वास्तविक इतिहास को दबा करके रखा गया था, कैसे हमें हमारे महापुरुषों से दूर करके हमारे स्वाभिमान को कैसे पचोटा गया था। उसका एक उदाहरण है महाराज सुहेलदेव को इतिहास में कोई सम्मान न मिल पाना और इसलिए कहा गया कि जो कौम अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती वो अपना इतिहास अपने इतिहास को सजो करके जो कौम नहीं रख सकती वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर सकती। यानी जब भी हम अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जब भी इतिहास को विकृत करेंगे तो उस विकृति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव समाज को इस राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। तो योगी सरकार के कार्यकाल का पहला विधानमंडल सत्र कल से शुरू हो रहा है। 22 मई तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, इसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। यूपी में विधानमंडल सत्र की शुरुआत 15 मई को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी जिसे राज्यपाल संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर ही बहस होगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री भी इस अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। इस सत्र में जीएसटी बिल को विधानसभा से पारित कराया जाएगा। ये जो पॉलिसी से बनाए हैं मुझे लगता है कि जिस प्रकार की पॉलिसी अब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए बनने शुरू हो जाएगी, अभी जैसे हम दूसरे राज्यों से मंगा रहे हैं पॉलिसीज, हम इस बात का विश्वास रखते हैं कि जो हम पॉलिसीज बड़े गंभीरता के साथ इतनी सिटिंग्स कभी भी नहीं हुई होगी इतने वरिष्ठ मंत्री समूह के साथ हमारे अधिकारियों के साथ, जिसमें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएंगे देश के सारे राज्य हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टडी करने के लिए आएंगे। वहीं विपक्ष ने भी विरोध की पूरी तैयारी कर ली है, मुख्य रूप से कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी खास तौर पर एसपी और कांग्रेस ने की है। इसके अलावा ब्याज सहित गन्ना मूल्य भुगतान, समाजवादी पेंशन बंद किए जाने और प्रदेश में विकास कार्य ठप रहने के मुद्दों पर भी सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सरकार को आराम से बैठने न दिया जाए। यही कांग्रेस की रणनीति भी है, किसानों की कर्ज माफी को आधा अधूरा कदम बताकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधेगी। 2007 में कांग्रेस ने किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का काम किया था, ठीक उसी तर्ज पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसके अनुरूप नहीं किया है। इस वादे को भी याद दिलाने का काम और किसानों के प्रति अपनी बात को मजबूती के साथ उठाने काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हर वो मुद्दा उठाएगी जो कानून व्यवस्था संबंधित है, विकास संबंधित है, अराजकता संबंधित है, सांप्रदायिक दंगे हैं, जाति विद्वेष, जो जाति लड़ाई हो रही है, इस सबको उठाएगी। हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार बनी होगी जिसने इतने मुद्दे दिए होंगे और वो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर से हैं, किसानों के मुद्दे हैं और तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिनको हम लोग पूरे प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश की चल रही विधानसभा के सत्र में रखने का काम करेंगे। 16, 17, 18 और 22 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्र की शुरुआत सोमवार की सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।